सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। पहले तो आपको गुड इवनिंग बता रहा हूँ, क्योंकि ये शाम का टाइम है, 5:30 बजे हैं। तो कोई नहीं, आंटी को मारते हैं रिमोट। चलो आप मेरे पे ध्यान दो। कल जो मैं पतंगे लेके आया था, कल मैं वहाँ का शूट इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि वहाँ पर मोनोकाइट की वजह से, मतलब वो कहते हैं ना, पुलिस की रेड पड़ गई थी एक तरह से। पुलिस मतलब सारी दुकानें बंद थी, देर ऐसे शटर, पूरा शटर बंद करके। हमने भी बड़ी मुश्किल से लिया पतंगे, शटर बंद करके अपने जूते वगैरह उतार वगैरह के हमें भेज रहे थे। और मैंने वीडियो शूट करने का भी पूछा तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने पतंगे, उन्होंने कहा कोई और दुकान से ले लो। उससे अच्छा हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से पहले हमने पतंगे वगैरह खरीद ली। जितना व्लॉग बन पाता था मैंने उतना व्लॉग बनाया आपके लिए। चलो उस बात को साइड में रखते हैं, जो मैं पतंगे लेके आऊँगा सबका रिव्यू दिखाऊँगा आपको धीरे धीरे करके। तो बने रहे वीडियो पर और वीडियो को फुल वॉच करना, और आखिरी में जाके आप डिसाइड करना लाइक देना कि नहीं, पर देना जरूर। तब तक के लिए बाय। हे गाइस, व्हाट्सअप। सो अभी मैं उड़ाने लगा हूँ पतंगे, जो आपको सबका रिव्यू दिखाना है कैसे उड़ती है वगैरह। और क्योंकि अभी तो बारिश वाला मौसम हो ही रहा है मेरे ख्याल से, तो बाकी सारी पतंगे तो अभी मैंने साइड कर दिए। बस जो जो मैं पतंगे लेके आया था उन सब की मैंने एक एक पतंग सैंपल के लिए निकाल लिया तुम्हें दिखाने के लिए। और मैं आपको दिखा देता हूँ अभी मेरे साथ इस टाइम, तो अभी कोई 2-3 पतंगे उड़ रही हैं। पहला तो मेरा यही बंदा है, तो मैं इसी सारी पेचे वगैरह लगाऊंगा। ये हमारा यहाँ का निक नेम फॉर बंकू, इंस्टाग्राम पर क्या है, वंशु एक्स एक्स। इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, जाके फटाफट फॉलो करो और अपने भाई को भी करो। ये स्क्रीन पे देखोगे मेरा आधे का, तो फटाफट जाके फॉलो करना। और तो बने रहे वीडियो पे, आपको सीधा दिखाई देता हूँ। गाइस आपने मोरी कर ही दिया, तो फिर आपको एक ऐसी थ्रेड चाहिए होगी जिसको कहते हैं हम अपने में कन्नेबाजी। वैसे बांधते इसको सत्ती से, हम बांधेंगे, हम देसी बंदे। और फिर तो गाइस आप देख सकते हो ये दोनों मैंने इकट्ठी बराबर बांध ली है। और आपको मैं बताता हूँ ऊपर जाके आपको सुन पतंग नहीं है, मतलब कन्ने ऐसे डिसाइड करते हैं मतलब बराबर है क्या नहीं। आप दोनों तरफ से सेम बांध लो और ऐसे करके यहाँ पर एक नॉट बांध लो, जिससे बैलेंस अपना इक्वल रहेगा और ट्रायंगल में जाएगा पूरी शेप। तो आप देख रहे हैं मेरे प्रॉपर पूरे ट्रायंगल जा रहे हैं। तो अब उड़ा के दिखाते हैं ये अपना 250 की पता, 250 वाला पैकेट से, और अपने इस नूबड़े की, और काट के दिखाएंगे। जो आप देख रहे हो ना, याद है मेरे को चैलेंज कर रहा है, इसको पता नहीं हम है कौन है वैसा। और आपको मेन बात, ऊपर जाके कि सीधा प्लेन लैंड होता है ना, उसको तो छोड़ कर हमें सीधा पहले झप देते हैं। सो गाइस आप देख रहे हो थोड़ी बैंड हो चुकी है यहाँ से पतंग, तो इससे आप एक नंबर पतंग उड़ेगी। और आपको सीधा सीधा दिखाते हैं इसकी काटते। धोखेबाजी कर ही लिया मेरे से, मैं मेरा ध्यान कहीं और था। तो कोई नहीं, आप बने रहे वीडियो पे, इसकी दोबारा काटूंगा। सो गाइस अभी मेरे हुए 0, इसके हुए 1, 3 की लीड, 3 का पूरा फुल मैच होगा, 3 का देखते 3 में से कौन ज़्यादा काटेगा। अभी तो मेरे 0 है, पता है, कोई नहीं, हारने वाले को बाजी कर जाते हैं, भूलना मत कभी। और ये जितना ये चाचा बन रहा है ना, इसको मैं बताऊंगा, वीडियो फुल वॉच करना और पतंगबाजी के फुल मजे लेना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय बाय। आई बो आते आ
राइट साइड। सो गाइस आप देख सकते हो वो नहीं मेरी पतंग, वो उसकी जा रही कट के। तो अब 2, 3, 0, 1 था, 1-1 हो चुके हैं। दो मांझले बैठ तो अच्छे नहीं लग रहे हमें। और गंजे गंजे भाई की हाली हंटर। तो ये देख लो विलन, हमेशा विलन ही रहता है। तो पीछे हमारे साथ हमारी छत पे एक ऊपर उड़ा रहा, छुप के उड़ा रहा है। देखो इसकी काटता हूँ फ्रेम से यार। गिच्चा मार, आ जाओ उज्जवल। गाइस पिछली बार इसने किच्चा मारा था, इसके दम नहीं है किच्चा मार। और नीचे वाली पतंग ऋषि की है, ऊपर वाली उज्जवल की। ये रोल दे दे मेरे को। वो बच्चे हैं बेटा, बच्चे अभी बच्चे। हम इतना जब मांझे की परवाह नहीं करते, खुला छोड़ते हैं मांझा। तो कोई नहीं, अब तो पूरा आसमान खाली करेंगे। चलो भाई लोग मैं दोबारा आता हूँ। भाई लोग अभी वापस आया। तो अभी मैंने दो पतंगे काट दी और मेरे को चारों वाली पतंग है। चारों वाली पतंग देखो क्या ये सुन पतंग है। और मैं आपको प्रेफर कर यही कहूँगा, आप सीधा वहाँ ही जाना छोटू लाल की पतंग में, हमने भी वहाँ से ही लिया है। और सही पतंग है, ज़्यादा वो नहीं है। तो बने रहे वीडियो पे, देखते कौन मैच जीतता है। ये जीतेगा या मैं जीतूंगा? ऑब्वियसली मैं ही जीतूंगा, पर अभी मेरा छोटा भाई ये ज़्यादा रोएगा तो मैं इसको जितवाने भी दूंगा। चलो कोई ना, और आप देख सकते मेरे जैसा क्या संसार हो रहा है। चलो बाय गाइस। इससे तो उड़ी नहीं थी मेरी पतंग, देखो ये एक नंबर। चार रुपये वाली का सही काम हाल कर गई है मेरी। तो ये लगाई हुई मेरे रोल और ये जा रही है मेरी सीधा पतंग। आधे घंटे से लगा हुआ जब से कटी है इसकी, वो उड़ी नहीं पा रही। देखो लड़की ने बेइज्जती कर दी, कह रही मैं उड़ा के दिखा देती हूँ। आ रहे हो टोपी मास्टर, कमेंट सेक्शन में बताना आपने इसके बाल देखने हैं कि नहीं, आपको जरूर इसके बाल दिखाएंगे। नाई की दुकान पे गया भैया, मशरूम कट काट दो, साले ने गंजा ही कर दिया उसको। सो गाइस मेरे को 10 मिनट हो गए इससे पतंग मांग के मांगते। मैं यार मैं उड़ा के देती हूँ, तेरे से तेरी बस की नहीं उड़नी। देखो इतनी देर से मेरी चड़खड़ी लगी हुई है और मेरी पतंग इतनी देर से उड़ ही रही है हवा में। इतनी सुन पतंगा और हवा में उड़ती जा रही है, मेरे को पकड़ने की जरूरत भी नहीं हो रही। और इसको देखो, इसको देखो भाई 15 मिनट हो गए इसे पतंग नहीं उड़ी और ऊपर से पतंग फाड़ दी है। पतंग फटी दिखाओ, फटी हुई पतंग दिखाओ। नहीं फटी हुई पतंग, आप देखो बंदा किलस रहा है, किलस रहा। बच्चे हैं बच्चे, बच्चे पतंग अभी किलस के मेरी पतंग काट रहा है। सो हे गाइस, तो आप देख सकते हो इसकी पतंग पहले वाली तो फाड़ दी, वो पड़ी। अब पतंग लेके आया मेरी मेरी लेके आया जो 3 रुपए, जो 5 वाली पतंग जो मैं वहाँ से लेके आया था, 350 पतंगे जो पैकेट लेके आया था उसमें से एक लिया। क्योंकि ये बंदा ऐसा है, 15 अगस्त तक 2-2 पतंगे लेके आएगा और 15 अगस्त को 10 पतंगे लेके आया था, जिसमें से 5 उड़ाता है, 5 अगले 15 अगस्त के लिए रख देता है। हाँ। और जो आधी जो लूटी वूटी आती है वो उड़ाता है। तो आप देख रहे हो उसको, मेरी पतंग लेके आया, इसकी पतंग देखो वो फटी हुई है। और आप देख रहे तो आप देखते हैं ये वाली पतंग उड़ा पाता है कि नहीं। आपको इसका पूरा पूरा दिखाऊंगा कैसे उड़ाता है ये। जो जो इसको जानते हैं उसको फटाफट अनफॉलो मार दो फटाफट जाके। जो मैंने आपको कहा था इंस्टा पे लिंक दे दूंगा, इसका नहीं देता मैं, जाओ। ये बंदा मेरी बेइज्जती करा रहा, पतंग उड़ानी आती नहीं इसको। और गाइस मेरे तो इस टाइम इन सालों ने तोड़ दी, देखो ऊपर वाले किलस रहे थे तो इन्होंने मेरे मुँह से तोड़ दी ये कहते हैं ना। और ये मेरा पैसा लगा रहा भाई, सो इन्हीं के साथ मैं कह रहा हूँ इन चौकों की तू ले जा, डबल डबल लेंस तोड़ दे इनके लेंस ले जा, खींच मार दे। साले चड़खड़ी में मांझा कितना दुख आएगा। खाली चड़खड़ी लेके कहता मायो जब बढ़ा देते चोखों की आवाज़ें निकली है। सो हे गाइस ब्लॉग का करते हैं यहीं एंड। और ऊपर अभी अंधेरा हो ही गया, इसका दोबारा ब्लॉग आएगा। हाँ इसका दोबारा ब्लॉग आएगा। और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना डेली ब्लॉग चाहिए क्या नहीं चाहिए। और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टनाना।